हाँ जी गाइस, जय माता दी। जो जो भी देख रहा है समझ ही गया होगा, मैं इस समय हूँ कटरा में। जिसने पिछला पार्ट नहीं देखा, बाय ट्रेन में आया हूँ दिल्ली से कटरा भाइयों के साथ। तो चलते हैं, अभी यहाँ से हम जा रहे हैं, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, ये पावर बैंक है। अगर आप कोई देख रहा हो तो सोचे क्या पकड़ा हुआ है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, बाबा धनसर जी का स्थान है। तो चलते हैं वहाँ पे बाय ऑटो या बाय टैक्सी करते हैं, बाय कार तो आए नहीं इस बार, बाय ट्रेन आए हैं। अभी भाई और भाभी वगैरह सब नीचे आ जाएं, फिर निकलते हैं यहाँ से। वो आ ही गए। जो मैंने आपको फ्लाई ओवर दिखाया ये है, मतलब कटरा से कश्मीर का रास्ता बन रहा है। ऑटो वाले भैया बता रहे हैं बहुत जल्द चालू होने वाला है, तो कश्मीर जाना भी काफ़ी आसान हो जाएगा। कश्मीर अमरनाथ यात्रा के लिए भी बहुत आसानी हो। भैया के ऑटो का इंटीरियर चेक करो आप, दिल बना हुआ है मस्त है, इंटीरियर पे पैसा लगा है भैया। ये देखो, ये है भवन, मतलब वैष्णो देवी माता का जो दरबार है भवन, ये है वाइट वाला ये। और भैरव बाबा कौन से? वो जो ऊपर 3-4 टावर लगे हैं। अच्छा, ये है भैरव बाबा जी। ब्लॉग बना रहे हैं भैया? हाँ। किस नाम से है? जतिन सचदेवा ब्लॉग्स। लाओ फोन दो कर देते हैं। ये मेरा सब्सक्राइबर बढ़ा रहा है भाई। तो पहुंच गए हैं बाबा धनसर जी। अब यहाँ से मतलब 250-300 थी ना सीढ़ियाँ जब हमने गिनी थी, 250-300 के करीब सीढ़ियाँ हैं। तो अब चलते हैं, बीच में प्लेन रास्ता है, फिर लंबी सीढ़ियाँ, छोटी सीढ़ियाँ, ऐसे है। तो और गाइस क्या हाल चाल है? ये दूसरा पार्ट चालू हो गया, इस वजह से कहीं सोचो कि फिर से हाल चाल पूछ रहा है, सुबह भी पूछा है। शेड लग गया। हाँ, बंदरों की वजह से। तो ये आ गए हैं जी, यहाँ से सीढ़ियाँ उतर के पूरी। हाँ जी, तो दर्शन कराए हैं ऊपर की गुफा से, वहाँ पे वीडियो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। शिव जी, पार्वती, गणेश जी, शेषनाग जी, उनके दर्शन है ऊपर। तो अब इस तरफ चलते हैं, यहाँ पे भी एक स्थान है बाबा धनसर जी का, यहाँ पे करते हैं दर्शन। इस जल में कहते हैं आज भी बाबा धनसर जी शेषनाग के रूप में आते हैं, मतलब 24 घंटे में से किसी भी घंटे आ सकते हैं और किस्मत वालों को दर्शन देते हैं। यहाँ के जो पंडित जी हैं वो इतिहास बताते हैं, तो कोशिश करूँगा इतिहास पूछने की। तो किस्मत वालों को दर्शन होते हैं इसी झील में, शेषनाग जी के रूप में आते हैं धनसर बाबा। Thank you.
रहे हैं भोले बाबा के भगत है, ये नाग देवता है बाबा जी, ये नाग रूप में जीव के अंदर कभी कभी दर्शन भी देते हैं और सब मनोकामना पूर्ण करते हैं बाबा। सामने है बाहर निकल के दाहिनी तरफ शिव गुफा, उसमें पूरे शिव परिवार के दर्शन है। ये है बाबा दलसर जी, ये चंडी माता है। बाबा दंतर जी शेषनाग के अवतार हैं, भोले शंकर के भगत हैं। इन्होंने 12 साल भोले शंकर की भक्ति करी थी। बाबा जी नाग देवता हैं, ये वासुकी नाग के बेटे हैं, नाग रूप में इस झील के अंदर विराजमान हैं, कभी कभी दर्शन भी देते हैं और सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। किसी को अपने दरबार से खाली नहीं देते बाबा, बस सच्चे मन से मांगना है बाबा, सब कुछ देते हैं। तो उधर मंदिर से होके अब नीचे आ चुके हैं हम नदी में। तो वहाँ धनसर बाबा जी आओ तो नीचे नदी भी बहती है, एक पिकनिक स्पॉट भी है, तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हो, दर्शन भी और पिकनिक टाइप भी मना सकते हो, फोटोज़ वगैरह खींच सकते हो, रील्स वगैरह जो भी अगर आपका शौक है वो कर सकते हो। तो पहले जब हम आए थे तब यहाँ पे ज़्यादा फ्लो था पानी का, आज इतना फ्लो नहीं है तो इस वजह से ज़्यादा डर भी नहीं लग रहा। तो अब यहाँ पे थोड़ी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करते हैं फिर चलते हैं यहाँ। चलो जी अब फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब कर ली है वहाँ पे, अब चल रहे हैं, जूते हाथ में हैं क्योंकि पैर गीले हैं, सॉक्स पहन नहीं सकते। अब चलते हैं ऊपर, थोड़ा पैर वगैरह सूखेंगे तब जूते पहनेंगे। ये हमारी भाभी अब गिनने लगी हैं सीढ़ियाँ, ऊपर पहुँच के बताएंगी कितनी सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, स्टार्ट है गिनती, यहाँ से कर ली है स्टार्ट। चलो जी पूरी एक्यूरेट बताना जनता को गिन रहे तू भी तो लो जी भाई भी गिन रहे है और ऊपर भाभी भी गिन रही है, उनको नहीं बताया ये भाई गिन रहा है, तो हम चेक करेंगे कौन सही है कौन नहीं। उतरना बहुत ही आसान है यहाँ, बट अब चढ़ते टाइम पता लगेगा, 50 सीढ़ियाँ हो भी गई हैं। तो मेरे ख्याल से मैं पहले भी 3-4 बार यहाँ आया हूँ तो 200-250 तो है ही हैं सीढ़ियाँ, बाकी अब एक्यूरेट मैं भूल चुका हूँ, अभी बताते हैं आपको चंद मिनटों में। और ठंड का कुछ इतना अभी है नहीं, एक खाली इसके नीचे इनर है और एक ये हुडी है बस, बाकी अब रात को क्या सीन बनता है वो देखते हैं। तो लो जी ये जहाँ से गेट स्टार्ट हो रहा है भाई ने गिन ली है, अभी बताएगा नहीं भाई, अभी उनकी भी चेक करें कितनी है फिर देखते हैं। ये इनके पीछे चेकर लगा रखा था मैंने, कितनी है जी हैं तेरी? 219 एक का डिफरेंस आ रहा है, अभी दुकानदार से भी पूछते हैं यहाँ। हाँ 200 बना दिया तुरंत चलाकी तो लो जी एक ये हट टाइप बनी हुई है यहाँ पे, अगर आओगे तो स्टार्टिंग में ही उधर से रास्ता जा रहे हैं और ये पूरा व्यू है, यहाँ से व्यू चेक करो आप, उधर माता वैष्णो देवी जी का भवन दिखता है, भैरव बाबा दिखते हैं, कैमरे में नहीं इतना जूम हो पाएगा, त्रिकुटा पर्वत, इधर से सनसेट हो रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये भाई साहब कितनी सीढ़ियां नीचे? सीढ़ियां 200 सीढ़ी है। तुम दोनों ही गलत हो, तुमने कितनी गिनी?
सही है। 219 है, पूछ 219। तो जी इस कंपटीशन में भाई जीतता है, 219 सीढ़ियां। तो चलो जी, यहाँ धनसर बाबा जी आने का प्रोग्राम इस भाई का था, तो ये भाई अकेला आने को रेडी था दिल्ली से, बट इस भाई ने कहा मैं भी चलूँगा, फिर मेरे को भी रेडी कर लिया और हम सारे यहाँ पे हैं। बेसिकली किसी ने किसी को रेडी नहीं करा, बुलावा आया हुआ था, तो अब सारे आ चुके हैं। मून देखो कितना बढ़िया लग रहा है ये।